नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर को होने वाले सन एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण की। आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर को होने वाली सबसे बड़ी अमावस्या की। ये सबसे बड़ी अमावस्या क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ रेमेडीज और कुछ टिप्स बताऊंगी जो सबको करनी चाहिए। आपको हर फेज में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो सब किसी को करनी चाहिए और बहुत फायदे हैं अगर आप कल वाली अमावस और कल वाले सन एक्लिप्स से कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें मंदिर में जाके ऑफर करते हैं या कुछ सोशल वर्क करते हैं। हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो कल जो सन एक्लिप्स है वो यहाँ नहीं है, वो वेस्टर्न कंट्री में है। ज्यादातर इसका इफेक्ट यूएस में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे हेल्थ के इश्यूज, वहां पे आपको ना थोड़ा यूएस में ही सबसे ज्यादा इसकी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया हेल्थ इश्यू, थोड़ा छाती में कंजेशन, थोड़ा सा फीवर है ना, कोई ऐसा वायरल भी आपको देखने को मिलेगा, पर वो वहां की जगह ज्यादा मिलेगा इंस्टेड की यहाँ इंडिया में। पर इंडिया में भी इसके अफेक्ट आपको दिखेंगे है ना। वो कैसे दिखेंगे, और सबसे दूसरी चीज जैसे एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, या ऐसा देखने को मिलेगा कि मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का पर वो करना पड़ रहा है। वी आर फीलिंग बाउंडेड है ना, ये नंबर 1। लोगों से बिना वजह की लड़ाइयां होंगी, लोगों से बिना वजह का क्या कहते हैं नॉन स्टॉपेबल कन्वर्सेशन होगा है ना, जिसे बोलते हैं बहस। तो प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स है ना। इसमें हम कुछ रेमेडीज आपको इन बिटवीन बताऊंगी, मैं इस वीडियो के कुछ आखिर में बताऊंगी, और क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। जो सन एक्लिप्स होता है वो 3 चीजों से होता है, या तो आपका सन और केतु है, सन या राहु है, या सन और शनि है ना। इन तीनों के साथ होने से, कंजंक्शन से, तब ये चीज होती है। जिनकी कुंडलियों में है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर आप हर अमावस्या, हर महीने की अमावस्या, संक्रांत, पूर्णमासी, इन तीनों में मंदिर में जाके डोनेट करेंगे आटा, चावल, दूध और पैसे, तो ये चीजें धीरे धीरे, ये जो कर्ज है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आपको पता है लोग बोलते हैं कि ना हमें मंदिर में जब श्राद्ध होते हैं है ना, जैसे कल सबसे बड़ा श्राद्ध है, कल ऐसा श्राद्ध है कि जो कोई अपने पितरों का श्राद्ध नहीं जानता कि कब है, तो वो कल करेगा तो उसे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप देखते हो ना हमारी लाइफ में, तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, या हमारी लाइफ में ना चीजें आगे बढ़ती नहीं, बहुत स्ट्रगल है, या रिश्तेदार साथ नहीं देते, या भाई लोग साथ नहीं देते, चीटिंग बहुत मिलती है। तो एक बार करके तो देखो है ना, एक बार करके दे दू कल ये सारी चीजें, जाके मंदिर में पंडित जी को देख के तो देखो। घर के पास मंदिर नहीं है तो आप गुरुद्वारे में दे आओ, कोई गुरुद्वारा है या मंदिर नहीं है तो किसी ऑर्फनेज में दे आओ, देख के तो आओ और फिर देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक चीज और बताती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना हमें खाना बना हुआ देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप खाना बना हुआ देते हैं ना, तो वो फटाक से खा लेते हैं, उसे रखते नहीं है कच्चे खाने को। वो तो जब बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन जो बना हुआ खाना है वो सब लोग खा लेते हैं। तो जो आपने दिया वो लग भी गया, उन्होंने खा भी लिया, और इससे क्या रिजल्ट मिलता है? जब आप श्राद्धों में बना हुआ खाना देती हो मंदिर में या किसी सोशल प्लेस पे है ना, खिलाते हो लोगों को एज अ लंगर, तो जो आपके पित्र थे ना, उन्होंने भी श्राद्ध जब किए तो लोग अपने घर से बना हुआ खाना दिया। एक नियम। दूसरा नियम कि जब हम भी जाएंगे ना, तो हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, जो हम अपने बच्चों को दिखाएंगे वही हमें मिलेगा। ये एक कुदरत का ना नियम है, और ऐसे ही होता है चाहे कोई इसे माने या ना माने। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, अगर आप माने तो होती है, नहीं माने तो नो आंसर फॉर दैट है ना। जो लोग बिलीव नहीं करते, मेरे लिए, मेरे पास उनके लिए कोई आंसर नहीं, ये उनकी विश। तो हम बात करते हैं कि कल जो सोलर सन एक्लिप्स है ना, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ चीजें बताई जो सबको करनी चाहिए। कल ना जो सन की एनर्जी है ना, वो बहुत लो है और होगी, जैसे सबको पता है ना। तो इस दिन आप जो बोलोगे वो होगा। कल से लेके दिवाली तक आप जो मैनिफेस्ट करेंगे या जो लिखेंगे रेड पेन से, जब हम रेड पेन से लिखते हैं ना तो सीधा यूनिवर्स में जाती है, जब हम ग्रीन पेन से लिखते हैं तो वो हवा में मिलके यूनिवर्स में जाती है। तो कल से लेकर दिवाली तक 48 डेज तक, अगर आप लगातार अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन लिखेंगे अपने लिए या औरों के लिए है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास चीजें अच्छी हो, मैं चाहता हूँ मेरे ऑफिस में चीजें अच्छी हो, मेरे घर में चीजें अच्छी हो, मेरे सारे फैमिली में सब में प्यार बना रहे, कुछ भी ऐसी मैनिफेस्टेशन, आप देखोगे 48 डेज में भगवान वो आप
आपकी बात सुनता है और आपकी बात पूरी होती है, ट्राई दैट। वो आपको रोज लिखनी है, लेकिन उसका नियम है कि आपको एक ही टाइम चूज करना है, आपको उसके साथ कोई मंत्र भी पढ़ना है, जो भी आपका गुरु मंत्र हो या आपका गायत्री मंत्र हो वो आप पढ़ सकते हैं अपना। कल अमावस के दिन लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें कराओ, है ना, जाके पूजा कराओ, तर्पण कराओ। यस, आप करा सकते हो। आपने पितरों की गायत्री का नाम सुना होगा, गूगल में मिलेगा आपको पितृ गायत्री। अगर आप पितृ गायत्री कल 1100, है ना, 11,000 या 1 लाख टाइम्स खुद पढ़ेंगे तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आपको खुद ही दिखेगी, आपकी चीजें ना अपने आप हो जाएंगी। अगर आपके घर में लड़ाइयां होती होंगी वो अपने आप ही रुक जाएंगी, आप कहोगे कि क्या हो रहा है, आपके मुंह में शब्द आके भी बाहर नहीं आएंगे, गलत शब्द। तो कल के दिन कोई भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोले, कल के दिन आप जितना कोशिश करें चांट कर सकते हैं, आप पितृ गायत्री भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप 1100 नहीं पढ़ सकते, आप कुछ तो पढ़िए, आपको उस कुछ के भी रिजल्ट मिलेंगे। कल इतना बड़ा दिन है, ट्राई दैट। और जैसे मैंने बताया, कल से लेके दिवाली तक या गुरु नानक बर्थडे जो 27 नवंबर को है उस दिन तक, अगर आप 48 डेज तक ये चलिया पूरा करेंगे लिखने का मैनिफेस्टेशन, तो आप करके देखिए आपकी कितनी अच्छी चीजें पूरी होती है। यह है एक चीज, है ना। अब हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि ना हम मंदिर में डोनेट करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमारी औकात ही नहीं है कि हम मंदिर में डोनेट कर सके। मंदिर एक ऐसी चीज है जहां से हमें मिलता है, वहां हम डोनेट नहीं करते, वहां हम ऑफर करते हैं। डोनेट करते हैं जब हम लंगर खिलाते हैं, हम जब लोगों की सेवा करते हैं। मंदिर में हमारी क्या औकात की जाके हम उन्हें थोड़ा सा चावल देके, भगवान तो बहुत बड़ा है, उससे हम मांगते हैं वो हमें पता नहीं क्या क्या देता है। तो मंदिर में हम अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं, डोनेट नहीं करते। जब हम मंदिर में देते हैं ना तो वो सीधा जुपिटर, जो हमारा कार का होता है मेन लक का, हम उन्हें देते हैं। शिव जी को सब देते हैं ना, शिव जी के, शिव जी सब सबको पता है कि शिव जी एक ऐसे देवता है जो हर तरह का ना पॉइजन पी लेते हैं और उनको कुछ असर नहीं होता, ये उनको गिफ्टेड है ना, ये उनके अंदर की एक स्पेशलिटी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट ऐसा है जो खराब है, मेलिफिक है, तो आप उसकी चीजें कल अगर शिव जी को चढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वो नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, है ना। हनुमान जी को जब लोग चढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जीने और मरने और प्रोटेक्शन का कारक है हनुमान जी, पहले और आठवें घर का कारक है हनुमान जी। पहला घर जीवन, आठवा घर जाना, तो ये दोनों घरों को प्रोटेक्शन देता है। कहते हैं विष्णु जी को हम जब चीजें चढ़ाते हैं, है ना, विष्णु जी को जब हम चीजें चढ़ाते हैं तो वो हमारी जिंदगी में मटेरियलिस्टिक चीजें लाते हैं, हमारी जिंदगी में ग्रोथ लाते हैं। ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत कम है, लक नहीं है आपकी लाइफ में, सूर्य की चीजों की कमी है, तो आप ऐसी चीजों को मिला के अगर विष्णु जी को चढ़ाएंगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को जरूर कल करनी चाहिए। कल की एनर्जी इतनी हाई है, कल से स्टार्ट करके अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, बहुत सारे लोग, मैं ये भी आपको बोलूंगी कि लाल किताब को फॉलो करते हैं। लाल किताब को फॉलो करना खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन लाल किताब आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर कोई विदाउट एनी थॉट कर सकता है। जैसे आपने बोला, आप कहीं गए, है ना, आपके पास कोई ग्रॉसरी वाला सामान देने आया और उसने आपको पैसे दिए और उसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा दे, तो आपने उसको बोला रख लो, तो दिस इज अ सरप्राइज फॉर हिम। सो अगर आप सरप्राइज लोगों को देंगे तो आपको भी सरप्राइज मिलेगा। तो देने के लिए, लेने के लिए देना भी पड़ता है ना। तो दिस इज द वन टिप, जब आप किसी को दिल से खिलाएंगे, दिल से कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको ऊपर वाला भी देगा। ये मत सोचो कि कब मिलेगा, अब वो कैसा मिलना है, चाहे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, आपके घर में बच्चे बढ़े, आपके घर में मनी अच्छी हो जाए, आपकी चीजों में कुछ अड़चन ना आए, तो ये है प्रॉस्पेरिटी, ये है ऊपर वाले का देना। अब हम बात बात करते हैं कल की जो एक्लिप्स की, उसकी सारी राशियों पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो देखो, सबसे ज्यादा जब हम इस एक्लिप्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया, चेस्ट कंजेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। कल के सन एक्लिप्स में सबसे ज्यादा आपको छाती की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, और शुरू भी हो गई होगी लोगों में, कोल्ड कफ, है ना, थोड़ा थोड़ा बुखार आना, या आप कह सकते हो बच्चों का कम पढ़ना और बच्चों की तरफ से आपको इश्यू देखने को मिलेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि जो मांगलिक कार्य हैं, शादी वगैरह, उसमें भी आपको इश्यू देखने को मिल सकता है। तो अगले 1 महीने तक ये सब चीजें, कोई भी अच्छा काम अगर आप सोच रहे करने की तो वो ना करें, दिवाली के बाद स्टार्ट करें। नंबर वन,
अब कौन सी राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसे एरीज लगन वाले लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं या उनकी जॉब जा सकती है और उनकी मदर को भी हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं। टॉरस टॉरस लगन के लोगों के लिए उनके बच्चों की तरफ से उनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी या उनके बच्चों से रिलेटेड उन्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, या आप ये कह सकते हो कि जैसा कि मैं बोल रही थी कि टॉरस लगन के लोगों के लिए उनके बच्चों से रिलेटेड स्टडी में आपको इश्यू देखने को मिल सकता है ना, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आपको देखने को मिल सकता है, या आप ऐसा फील करेंगे कि काम में आप बाउंड हो गए, आपके लिए ना बाउंड्रीज हो गई है 1 महीने के लिए, है ना, आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। देखो आज की डेट में गूगल में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी कि कल अमावस पे और सन एक्लिप्स पे आप ये करो, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दीज आर द बेसिक्स, दीज आर द बेसिक्स विच आई लर्न फ्रॉम माई गुरु, सो आई एम शेयरिंग हियर बिकॉज एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जितना आप दोगे उतना मिलेगा, और मेरा देने से अगर मैं नहीं दूंगी तो आने वाली जनरेशन सीखेगी कैसे, अगर हर चीज हम अपने दिमाग में ही रखेंगे तो वो आगे बढ़ेगी कैसे, है ना। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि जब आप किसी की कंसल्टेंसी करते हो ना, आप वन टाइम करो, हर साल वाली मत करो, क्योंकि जब हर साल आप उसको देखोगे तो कुंडली तो वही है ना, कुंडली तो चेंज नहीं हो रही ना, तो आप उसे एक बार बताओ कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ सोल्यूशन, एवरी टाइम आके मैं उसके लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। ये बात है कि हर साल की जो एक वर्षफल बनता है उस पर हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपने बेस कुंडली पे ही काम कर लिया तो बार बार आपको जातक को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जैमिनी लगन वालों के बारे में। जैमिनी लगन वाले सोच रहे हैं कि शायद वो नया घर ले ले, तो ऐसा हो सकता है कि वो नया घर ले ले या उन्हें कहीं शिफ्ट करना पड़े, तो पर अपने दिल से नहीं करेंगे वो, है ना। कैंसर के लगन वाले हो सकता है कि हो सकता है कि उनको किसी किसी जगह का कंस्ट्रक्शन कराना पड़े, या ब्रदर्स के साथ उनके कुछ जैसे उनकी पुरानी प्रॉपर्टी हो एंसेस्टर्स की, है ना, तो ब्रदर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है प्रॉपर्टी इशू को लेके। लियो लगन के लोग, उनके घर में किसी रिश्तेदार से फाइट हो सकती है ना, वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो उनके लिए सही साबित नहीं होंगे, उनके दिमाग में भी कुछ नेगेटिव थॉट आ सकते हैं और वो थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। वर्गो के लिए ये अभी अच्छा टाइम नहीं है क्योंकि केतु जी ने अभी अपनी राशि चेंज नहीं करी है, तो थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, थोड़ा उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा, पर जब केतु जी राशि चेंज कर लेंगे। लिब्रा, लिब्रा लोगों के लिए अभी अवॉइड करें कि या वो शादी ना करें, अभी अवॉइड करें कि अगर वो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहे हैं तो ये टाइम उनके लिए अच्छा नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप में पड़ने के लिए या खत्म करने के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये टाइम बहुत बहुत प्रिकॉशन करने वाला है, फैमिली में हेल्थ इश्यू देखने को मिल रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे खुद पे, है ना, मेडिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, स्पाउस के साथ इश्यू देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज टेक केयर और कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। सेजिटेरियस लोगों के लिए ये राय है कि वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें, और अगर वो कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी 1 महीने के लिए रोक दें। नवंबर गुरु नानक बर्थडे के बाद 27 नवंबर के बाद दे कैन स्टार्ट, है ना। कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए कि एक ये सबसे बड़ा मैसेज है कि जैसे वो सोशल वर्क करते हैं वो करते रहे, 4 नवंबर के बाद उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो उन्होंने किया उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अवॉइड कैसा भी जॉब का चेंज, है ना। एक्वेरियस, एक्वेरियस लोगों, एक्वेरियस राशि घर होती है राहु की और होती है शनि की, तो दोनों के आधे आधे इफेक्ट मिलेंगे, तो कोई भी बिजनेस में या नौकरी में या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपेंड करने के लिए जरा सोच लें, है ना, रुक भी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाइसेस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा, उनकी तो जिंदगी 360 डिग्री चेंज होने वाली है, वो ऐसी ऐसी डोनेशन करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे जो उन्होंने सोचा ही नहीं था, अच्छे काम करेंगे वो, है ना, और प्लीज हीलिंग और मेडिटेशन में ये लोग जा सकते हैं। 4 नवंबर तक कुछ इश्यू भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें कि जैसे मैंने बताया इस ग्रहण का सबसे ज्यादा इफेक्ट यूएस में आएगा, 2 महीने तक रहेगा, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, है ना, फ्लड, है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इन्फ्लेशन के इश्यूज भी हो सकते हैं 2 महीने तक, आपको ये भी दिख सकता है कि आईज का भी कुछ आपको आईज अफेक्ट भी दिखेंगे, मोतियाबिंद बहुत देखने को मिलता है, तो जाइए और डॉक्टर से चेक करवाइए। जो सोलर एक्लिप्स या सन एक्लिप्स से रिलेटेड चीजें थी मैंने बताई, जो अमावस से रिलेटेड चीजें थी मैंने बताई, आई गेस कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और अगर कोई डाउट है इस वीडियो के कमेंट में लिखें और मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज नीलम अग्रवाल, थैंक यू सो मच।